नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2018 में जो सीटेट का पेपर हुआ था। आप जानते हैं कि सीटेट पेपर सेकेंड में सोशल स्टडीज यानी सोशल साइंस का एक सेक्शन होता है जिसमें कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस 60 प्रश्न में जितने प्रश्न बुक्स से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के बुक्स से, आप कह सकते हैं कंटेंट से, उसको डिस्कस करेंगे। लगभग जो है मतलब 45 से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं कंटेंट से यानी बुक से, बाकी 10 से 15 प्रश्न पेडागोजी के होते हैं। यही जो है रेस्क्यू रहता है इस बार यानी सीटेट जो ये दिसंबर 2018 वाला पेपर है, इसमें से 60 में से कुल 49 प्रश्न जो हैं 49 क्वेश्चन कंटेंट के हैं यानी एनसीईआरटी के बुक्स से हैं और 11 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं। तो मैं 11 क्वेश्चन को यहाँ स्किप कर दूंगा पेडागोजी वाले, बाकी कंटेंट को डिस्कस करूंगा। ये डिस्कस करने का मेरा उद्देश्य एक ये भी है कि आपको दिखाना कि हमने जो एनसीईआरटी डिस्कस की है अपने चैनल पर उससे कितने प्रश्न बन रहे हैं। हमने जो एनसीईआरटी डिस्कस किया है उसमें सिर्फ बाकी रह गया है हिस्ट्री कक्षा 8 और कक्षा 7 के भी कुछ जो है चैप्टर्स बाकी रह गए हैं। हालांकि मैं उसको भी पूरा करा दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, ऑडियो की तरह उसको बस एक दो बार सुन लेना है या एक बार भी सुन लेंगे तो काफ़ी होगा और बाकी क्वेश्चंस को देखते रहें। यहाँ जो 49 क्वेश्चन है उसमें से मात्र 4 प्रश्न ऐसे हैं जो आधुनिक भारत से पूछे गए हैं जो अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब सेक्शन जो अभी तक करा दिया गया है अगर आपने कंटिन्यूस उसको फॉलो किया है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और बाकी पूरा तो करा ही दिया जाएगा। लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले जो भी एनसीईआरटी बाकी है कक्षा 8 की इतिहास की उसको पूरा कर दिया जाए। आइए अब प्रश्न को देखते हैं और फटाफट जो है आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि काफ़ी प्रश्न हैं, 49 इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपना पहला प्रश्न है यानी कि 31st, वेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, यानी कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा नवंबर 26, 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया। जब भी अपनाने की बात हो, एडॉप्टेड की बात हो, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 और बात की जाए लागू करने की, फोर्स में आने की, तब आप कहेंगे 26 जनवरी 1950। यहाँ मैं पूरे ऑप्शन को बोलूँगा नहीं, जो आंसर होगा उसी को डिस्कस कर दूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। 32 नंबर को देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डिसिसिव रोल इन इंटीग्रेटिंग द प्रिंसियली स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाई थी। आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि आज़ादी के समय कुल 565 लगभग 565 जो है ऐसे रियासत थे जो अलग थे, इनको एक करके भारत में सम्मिलित करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए इन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी में एकीकरण किया वैसे ही इन्होंने भारत में एकीकरण किया। अगला प्रश्न है 33 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विथ द मैटर्स इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा 2, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करती है समवर्ती सूची पर। संघ सूची होता है, संघ सूची के विषय में आप जानते हैं कि उस पर यूनियन गवर्नमेंट काम करती है और राज्य सूची पे राज्य सरकारें काम करती है। समवर्ती सूची बीच का होता है, इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। अगला प्रश्न 34 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए जब भी बात आए मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो आप जो है आंसर करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न, इन द 18th सेंचुरी अंडर whom डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल, यानी 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा 2, मुर्शिद कुली खान। इसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री को, तो आप देखेंगे वहाँ पे कि जो मुर्शिद कुली खान थे जब बंगाल पर इनका शासन था तो मुगलों से ये धीरे धीरे अलग हो गए, ये स्वतंत्र रूप से काम करने लगे। पहले क्या था, मुगल जो है साम्राज्य का, मुगल सम्राट का पूरे देश पर आधिपत्य था, लेकिन मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे सेपरेट हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा मुर्शिद कुली खान। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न,
हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्परर एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ द डिसेंडेंट क्या है डिसेंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज एज अ रूलर। देखिए मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है तो उसे लेकर आप चिंता ना करें, प्रश्न पे ध्यान दें। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद कोई भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा 4, जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्होंने ये फैसला लिया था, इनके ही समय में ये काम हुआ था, मतलब 1857 का जब विद्रोह हुआ उसके बाद ये फैसला लिया गया विद्रोह को दबाने के बाद कि अब बहादुर शाह जफर को जो है अंतिम मुगल शासक जो है घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर डेट अवध वाज बींग मिस गवर्न एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? यहाँ आंसर हो जाएगा 4, जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने यह फैसला लिया था, इसके विषय में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है विच रूलर ऑफ कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा, यानी कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? यह आंसर हो जाएगा 2, नाना साहब। अगला प्रश्न है 39, द बेस्ट मेथडोलॉजी टू टीच द, देखिए यहाँ जो 39 है ये पेडागोजी का प्रश्न है तो इसे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये मेरे समझ से बाहर की चीज़ है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 40 नंबर, व्हाट इज एडुसेट, यानी एडुसेट से क्या अभिप्राय है? देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा 1, अ मैन मेड इंडियन सैटेलाइट, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है एडुसेट, यानी उपग्रह आप जानते हैं जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, तो ये एडुसेट क्या है, मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। अलग अलग देश अपने अपने मानव निर्मित उपग्रह को छोड़ते हैं अलग अलग उद्देश्यों के लिए, तो यहाँ एडुसेट ध्यान रखना है कि एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। अगले प्रश्न पे आते हैं 41 नंबर, द वर्सेज एंड आइडिया ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन प्रिजर्व्ड इन पंचवाणी एंड बीजक, यानी पंचवाणी और विजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा आपको कबीर, ठीक है ये ध्यान रखना है, कबीर के जो भी मतलब छंद हैं विचार हैं उनको विजक या पंचवाणी के जो है नाम से क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है 42, द मुराल पेंटिंग फ्रॉम एलोरा केव्स विच शोज विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लाइन इज अ वर्क ऑफ विच पीरियड, यानी एलोरा की गुफा में जो भित्ति चित्र मिला है जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है वह किस काल की कृति है? इसका आंसर हो जाएगा 3, राष्ट्रकूट काल की कृति है, आप बुक में सीधे देखेंगे ऊपर ही दिया गया है, मैंने पढ़ाते समय डिस्कस करते समय बताया भी था। अगले प्रश्न को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव इन उपनिषद, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? यहाँ आंसर हो जाएगा 2, ब्रह्म समाज जो है उपनिषद में अपनी आस्था रखता है। कुछ यही 4 जो है प्रश्न थे, अब खत्म हो गए मॉडर्न हिस्ट्री से, आगे आपको प्रश्न मिलेगा ज्योग्राफी से और जो है हिस्ट्री में मिलेगा आपको जो है प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत से और पॉलिटी के बहुत ही आसान आसान से प्रश्न। यहाँ 44 नंबर प्रश्न है, विंड वेन इज यूज फॉर मेजरिंग, यानी वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? यहाँ आंसर हो जाएगा 4, विंड डायरेक्शन, वायु दिशा को मापने के लिए विंड वेन या वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, यानी वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा 4, थर्मोस्फेयर, बाह्य वायुमंडल। क्या है कि जो थर्मोस्फेयर होता है बाह्य वायुमंडल, इसके अंतर्गत जो है आयन मंडल होता है और वह आयन मंडल क्या होता है रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करता है। तो अगर प्रश्न में है आए आयनोस्फेयर या आयन मंडल तो आप उसे भी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 46, आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर टू द आउटर मस्ट लेयर, यानी पृथ्वी की परतों को पहचानना है अंदर से लेकर बाहर के क्रम में, इसे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1, सबसे पहले क्या होता है आंतरिक क्रोड़, उसके बाद होता है बाहरी क्रोड़, उस
क्रोड, उसके बाद होता है मेंटल और सबसे ऊपर होता है प्रॉपर्टी। तो यहाँ आंसर हो गया एक, इसे आप ध्यान रखिएगा, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल, प्रॉपर्टी, ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑब्जर्व केयरफुली द लोकेशन ऑफ द सन, अर्थ एंड मून इन द गिवन डायग्राम एंड टेल व्हाट इट डिपिक्ट्स, यानी कि जो यहाँ चित्र दिखाया गया है उसे अच्छे से देखिए और बताइए कि यह किस घटना को दर्शा रहा है, किस घटना को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ आंसर हो जाएगा एक, नीप टाइड, लघु ज्वार भाटा को यह दर्शा रहा है जब पृथ्वी इस कंडीशन में होता है कि चंद्रमा जो है उसके ऊपर रहे, सूर्य इधर रहे, तो यह कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होता है, लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। वहीं अगर यह चंद्रमा इधर आ जाता है यानी कि यहाँ पर आ जाता है, इस तरीके का कुछ कंडीशन बनता है, तो इस समय क्या होता है, बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आप जानते ही हैं, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत यहाँ नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 48 नंबर, व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन इट बेंड्स एंड फ्लोज फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज, यानी जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और मोड़ बनाकर बहने लगती है यूं, तो इसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा 4, मेंडर, यानी इसे कहते हैं विसर्प, जो ये इस प्रकार से नदी अपना चाल धारण करती है तो इसे विसर्प के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ऐसे ही चलते चलते चाप झील भी बना देती है, इसे हम लोग चाप झील के नाम से, ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसेबल एरियाज एंड इन टाइम ऑफ क्लाइमेटिज फॉर रेस्क्यूइंग पीपुल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन, यानी जब दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने के लिए भोजन, जल, कपड़े, ये सभी बचाने पहुंचाने के लिए किस जो है यातायात के साधन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं, वायुमार्ग, एयरवेज का प्रयोग किया जाता है, हेलीकॉप्टर से जो है ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर, द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी विच डील्स विथ कंपोजिशन ऑफ अ पार्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वह क्या कहलाती है। यहाँ आंसर हो जाएगा आपको जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। जब भी जनसंख्या, किसी पार्टिकुलर जनसंख्या के विषय में कोई जानकारी बताई जाए तो इसे हम डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं, जनसांख्यिकी के नाम से जानते हैं। मानव भूगोल का मतलब हो गया पूरे मानव के विषय में अगर किसी तरीके की बात की जाए भूगोल में तो उसे मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। नगरीय आप जानते हैं, जनसंख्या का वितरण वगैरह ये सब, और जैव भूगोल होता है जो मतलब जीवित प्राणी है, जीव जंतु है, उनके विषय में बात करना। अगला प्रश्न है 51 नंबर, देखिए यहाँ जो है कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, असर्शन और रीजन उसको पढ़ के नीचे आंसर देना है। सबसे पहले असर्शन दिया हुआ है, द सन सेट्स इन गुजरात अबाउट 2 आवर्स आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, यानी सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, तो आप जानते ही हैं कि ये कथन सत्य है। अगला है रीजन दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश इज ऑन अ हायर लेटिट्यूड देन गुजरात, यानी अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। देखिए ये स्टेटमेंट भी सही है, आप जो है पृथ्वी को ऐसे देखेंगे, अक्षांश को, ये 0 डिग्री हो गया, तो देखेंगे कि जहां अरुणाचल प्रदेश है उससे थोड़ा सा उच्च अक्षांश पर स्थित है गुजरात, ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश जो है गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दोनों कथन सही तो है लेकिन कारण, ये जो अक्षांश वाली बात है ये इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन को हम वैसे ही चुनेंगे कि ए और आर दोनों सत्य तो है लेकिन जो आर है यानी जो रीजन है वह असर्शन को यानी कथन को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ आंसर हो गया 3, ठीक है। चलिए अगला है 52 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। देखिए मैंने आसान भाषा में बताया था, परंपरागत का मतलब है जो आप बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल आप समझते हैं, और गैर परंपरागत का मतलब है बहुत पहले से यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4, सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी है इसका हम बहुत पहले से यूज नहीं करते आ रहे हैं लेकिन अब जरूरत है कि हम इसका यूज करें क्योंकि यह असमाप्य है। अगला प्रश्न है, द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज, यानी जब हम मछली को पालते हैं स्पेशल जो है विशेष रूप से टैंक और तालाब में, उसे किस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं। यहाँ आंसर हो जाएगा 1, पीसी कल्चर, इसे हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था जब हम प्रश्न को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है।
चलिए आगे पढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न को। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेज इज नोन एज, यानी स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि उसे जो है इस्थमस के नाम से जानते हैं, स्थल संधि के नाम से। ठीक ऐसे ही अगर जल का कुछ संकरा भाग दो स्थलों को जोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो है जल संधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी देखिए आकार में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। इसका आंसर आप जानते हैं, दो होगा, ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, तब यूरोप, तब ऑस्ट्रेलिया। इसे ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है हमेशा से, ठीक है। इसके बाद अब ये सारे जो प्रश्न हैं ये सब पेडागॉजी के हैं। हम फिर से आते हैं कंटेंट वाले प्रश्न पर। कंटेंट वाला अपना प्रश्न है ये भी नहीं है, हाँ ये 66 से आ गया कंटेंट वाला प्रश्न। द कलर्स यूज इन द अजंता केव्स पेंटिंग हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, यानी अजंता गुफा में जो चित्र मिला है उसमें जिस रंग का प्रयोग किया गया है वह हमें वह रंग किस चीज़ से मिला था। यहाँ आंसर हो जाएगा 4, प्लांट्स एंड मिनरल्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि अजंता गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं, मतलब छानबीन करने पर ऐसा पता चला है कि वह प्राकृतिक रंग है, पौधों और खनिज से, प्लांट्स एंड मिनरल्स से उस रंग को निकाला गया था। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं 67 नंबर। द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट वेर रिटन ऑन, यानी सबसे पुरानी जो पांडु लिपि थी वह किस चीज़ पर लिखी गई थी। हम लोगों ने पढ़ा था पाम लीव्स यानी ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी, तो यहाँ आंसर हो गया 2। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि, सबसे लंबी जो है लंबे समय तक कौन सा काल रहा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, यहाँ पूरा पाषाण हो जाएगा, पैलियोलिथिक, ठीक है। पूरा पाषाण काल सबसे लंबा रहा है, पूरा पाषाण के बाद आता है मध्य पाषाण, उसके बाद नव पाषाण। उसके बाद अगला प्रश्न है, दो जो है पैराग्राफ दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, उसे पढ़ना है फिर आंसर देना है। आइए इसे पढ़ते हैं। पहला ए है, मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन द फर्टी प्लेन नियर बोलन पास ऑफ पाकिस्तान, यानी कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यह स्टेटमेंट सही है, जब हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने यह पढ़ा था मेहरगढ़ के विषय में। उसके बाद एविडेंसेज ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग आर फाउंड हियर, यानी कि खेती और पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पाए गए हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब दोनों स्टेटमेंट सही है तो देखिए कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों सत्य है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न पे आते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हरप्पन साइट्स हैव बीन फाउंड, यानी कि हरप्पा सभ्यता की सबसे ज़्यादा संख्या में नगर किस जो है शहर में मिले हैं, कहाँ पे मिला है। यहाँ आंसर हो जाएगा 4, गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा संख्या में मिला है। इसे भी हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी को डिस्कस करते समय। अगला है 71 नंबर, ऋग्वेदा वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज, यानी किस भाषा में ऋग्वेद को मूल रूप से रचा गया था। यहाँ आंसर हो जाएगा 4, संस्कृत। ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद संस्कृत। अगला प्रश्न है 72, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपद इन द 6th century BC वाज, यानी 6th शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के सबसे पहले शासक कौन हुए। यहाँ आंसर हो जाएगा 4, बिंबिसार। हम लोगों ने पढ़ा था कि बिंबिसार 6th शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का सबसे पहला शासक था। अगला प्रश्न है 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द 3 जेवल्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से कौन नहीं है। यहाँ आंसर हो जाएगा अहिंसा। अगर अहिंसा को आप छोड़ दें तो बाकी जो है संघ, बुद्ध धर्म, ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। अहिंसा भी यानी कि बौद्ध धर्म में था लेकिन उतने जोर शोर से नहीं था जितना कि जैन धर्म में था। और आपको जब ऑप्शन दिया जा रहा है तो आप ऐसे ही चूज करेंगे। संघ की बात की गई है बौद्ध धर्म में कि जो लोग जो है बौद्ध धर्म का अच्छे से पालन करना चाहते हैं, बौद्ध धर्म में जो है संघ बने हुए थे उसमें जाके रहने लगे। बुद्ध को तो आप जानते ही हैं, धम्म का अर्थ है धर्म, धर्म को एक अलग तरीके से बुद्ध ने डिस्क्राइब किया था। तो ये तीनों बातें बौद्ध धर्म से संबंधित है, चौथा भी है लेकिन उतना नहीं है, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा 4, अहिंसा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, हु एमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द राज्यसभा मेंबर्स, यानी कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है। यहाँ आंसर हो जाएगा 1, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं यानी कि MLAs होते हैं, विधायक होते हैं, वे अपने अपने राज्य से चुनकर राज्यसभा में मेंबर्स को भेजते हैं। यहाँ आंसर हो गया 1। 75,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट वाज एडॉप्टेड बाय इंडिया, यानी कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ आंसर हो जाएगा एक पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। आप जानते हैं हमारे देश में संसद है, संसद में हमारे देश के मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, साथ ही संघीय ढांचा है, फेडरल ढांचा है, जिसमें सरकार का क्या होता है, देश में अलग अलग स्तर पर सरकारें होती है, जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर पंचायती स्तर पर नगर पालिका के स्तर पर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा एक संसदीय और संघीय, पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। उसके बाद है अपना 76 नंबर प्रश्न आज का 76। हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। अब देखिए ये बिल्कुल रटने वाला है, मैंने बुक में भी बताया था आपको, यहाँ आंसर हो जाएगा 384। ये रट लीजिएगा, अनुसूचित जातियों के लिए कितना रिजर्व किया गया है, 84। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायोलेटेड ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया, यानी कि अगर कहीं पे अस्पृश्यता मतलब प्रैक्टिस में है तो वह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये तो आप जानते हैं, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आपको आर्टिकल 15 याद होगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, लिंग, जाति इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी के साथ जाति के आधार पर छुआछूत की भावना से देखा जा रहा है तो वह क्या हो जाएगा, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, यानी भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अब मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ आंसर जो है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों में शामिल था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, अब यह मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। तो यहाँ 78 का आंसर हो गया एक। अब है अगला प्रश्न नेक्स्ट 29। अनटचेबिलिटी रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि अस्पृश्यता किस चीज़ के आधार पर जो है मतलब प्रैक्टिस में आता है। यहाँ आंसर हो जाएगा 4, कास्ट के आधार पर। जनरली आप देखेंगे जाति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में या सुदूर इलाकों में अस्पृश्यता प्रैक्टिस में होता है। अगला प्रश्न है 80। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। आप जानते हैं गवर्नर राज्यपाल नियुक्त करता है, बहुत ही आसान है, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, NCERT में भी पढ़ा है। 81। हु अपॉइंट्स द गवर्नर, अब गवर्नर को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो ये भी आप जानते हैं द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति गवर्नर को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो यह आंसर हो गया एक। 82। हु elects द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, ये भी आप जानते हैं, जितने भी MPs होते हैं, सांसद जो चुने जाते हैं, वे सभी मिलकर, वे सभी नहीं कहिए, सांसदों के समूह में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है जो है वे मिलकर अपने नेता के रूप में प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो यहाँ आंसर आप देंगे MPs यानी कि सांसद, आंसर हो गया 4। अगला प्रश्न है Who among the following is called the first citizen of India? यानी निम्नलिखित में से भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है। यहाँ आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है Who among the following is called the first citizen of a state in India? देखिए जब भी देश की बात की जाए तो देश का पहला नागरिक होगा द प्रेसिडेंट, और देश के अंदर राज्य की बात की जाए तो राज्य का पहला नागरिक होगा राज्यपाल, द गवर्नर, इसे आप ध्यान रखिएगा, राज्य में गवर्नर और देश में राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है द करेंट लोकसभा, यानी जो 2014 के बाद का लोकसभा है वह मतलब संख्या में कौन सी है। यहाँ आंसर हो जाएगा एक, 16वीं लोकसभा थी, अब 17वीं हो गई है 2019 से। अगला प्रश्न है 86। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति आप जानते हैं रामनाथ कोविंद, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। यहाँ आंसर हो जाएगा 4, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम जो है नहीं दिए गए हैं संविधान में। ये तो आप भी समझ सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि पॉलिटिकल पार्टी का नाम संविधान में कैसे दिया जा सकता है उस समय जिस समय संविधान बन रहा था, क्योंकि अलग अलग समय में जो भी चाहे पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है देश में, अभी तक नए नए बन रहे हैं, उस समय सिर्फ कांग्रेस था और कुछ कुछ जो है उस समय थे, तो ये जो है राजनीतिक दलों के नाम, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम संविधान में उल्लिखित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि हु नॉमिनेट्स मेंबर्स टू द राज्यसभा, यानी राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, संख्या भी ध्यान रखिएगा, 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में, राष्ट्रपति
जो है नॉमिनेट करते हैं। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब यानी कि भारतीय भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जाए आप ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसी संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी बार बार पूछ लिया जाता है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसे ध्यान रखिएगा। अगला और आज का अपना अंतिम प्रश्न है कि हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द वनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था, यहाँ आंसर हो जाएगा एक सी गोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि हम लोगों ने जो एनसीईआरटी डिस्कस किया है उससे प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मात्र 4-5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं डिस्कस किया है उससे था, वहीं नहीं बन पाया है। बाकी सभी प्रश्न आपको आसान लगे होंगे अगर आपने अभी तक जितने एनसीईआरटी को डिस्कस किया गया है उसको देखा है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही अगर मर्जी करेगा आप लोग कहेंगे तो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो ये सेट है इसको डिस्कस कर लिया जाएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी बन जाए। और एनसीईआरटी के लिए आप चिंतित ना होइए, जो बाकी है हिस्ट्री का सेक्शन उसे मैं पूरा कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले। आप ऑडियो की तरह उसे सुन भी लीजिएगा तो आपको एग्जाम में ज़रूर लाभ होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।